हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ प्रसाद शिंदे सर हैं, हु इज IFS 2020 बैच, और वो आज जो है अपनी जर्नी हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करने वाले हैं, प्लस आपको जो है प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ टिप्स भी देंगे। सो आई थैंक प्रसाद सर फॉर कमिंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म। सो पहला क्वेश्चन सर यही आता है कोई भी, कि जब आपने सोचा ये सिविल सर्विस के लिए, कहाँ से आपको आइडिया है, कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला कि मेरे को एक कैरियर सिविल सर्विस में लेना है? फर्स्टली नमस्ते एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया आज। सो माय जर्नी ये जो है ये इसकी शुरुआत हुई है 2014 में। इसके पहले मैंने मेरा BSc बायोटेक्नोलॉजी ये मुंबई यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, एंड देन मुझे स्कॉलरशिप मिला। सो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर नॉर्दर्न आयरलैंड गया था MSc बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए। तो वहां पे आफ्टर डूइंग माई MSc बायोटेक्नोलॉजी आई मैंने रिसर्च असिस्टेंट बन के काम किया था वहां पे, एंड मेरा प्लान था कि मैं PhD करूंगा आगे। सो इसके पहले ही कि मेरा इंटरेक्शन वहां पे जो एम्बेसी है वहां के, उनके जो डिप्लोमेट्स है अपने इंडियन एम्बेसी के, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ ड्यूरिंग एक एक इंडियन कम्युनिटी एक इवेंट था वहां पे। तो तभी ओके मुझे एक ऐसा इंट्रीगिंग लगा कि इनका काम क्या है एग्जैक्टली, ये आते कौन से एग्जाम से है। मैं एक ऑनेस्ट चीज बताता हूँ कि मैं मुंबई से आता हूँ, वहां पे UPSC नाम की कोई भी चीज तभी फेमस नहीं थी अराउंड 2010। तो मुझे UPSC के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई IAS होता है IFS होता है ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं, कितने सर्विस होते कुछ पता नहीं था। तो तभी मुझे पता चला कि ऐसी कोई एग्जाम होती है, एंड इस एग्जाम के लिए एक्चुअली लाखों लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट करते कम्पीट करते हैं। तो आई थॉट कि मैं PhD करूँ 4 साल वहां पे या फिर वापस आ जाऊँ, क्योंकि एज वहां पे तभी एज फैक्टर बहुत कम था, तभी एज लिमिट थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एग्जाम का मैंने पैटर्न देखा सिलेबस देखा, एंड मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि चलो आई वॉन्ट टू कम बैक टू इंडिया और मुझे ये एग्जाम देनी है। सो 2014 में मैंने डिसीजन लिया कि चलो आई विल कम बैक, एंड तब से मैंने प्रिपरेशन शुरुआत किया। एंड आई थिंक दो जो डिप्लोमेट के साथ इंटरेक्शन हुआ और मुझे UPSC की जानकारी मिली, तब से मैंने शुरुआत की एग्जाम। तो वो एक पॉइंट था जब आपका डिप्लोमेट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, इंडियन डिप्लोमेट्स का, तो एक वहां से एक आइडिया आया। तो सर इसमें ऐसा है कि ऐसा क्या नोटिस किया आपने उनमें जो आपको मतलब इम्प्रेस कर गया? उनके बारे में एक चीज की मतलब मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ कि आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, मुझे लोगों के साथ घुल मिलना अच्छा लगता है। तो एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो चल रहा है ठीक है, उसके बारे में बहुत इंटरेस्ट है कि कैसे दो कंट्री के बीच में नेगोशिएशन चलते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है, ये बहुत सारे इवेंट जो होते हैं ठीक है। तो वो टाइम पे मुझे पता चला कि ये सब ये IFS लोग हैंडल कर रहे हैं, एंड दिस इज काइंड ऑफ सर्विस जो मुझे अच्छी लगती थी कि मुझे घूमने भी मिल रहा है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट भी करने मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम सबसे बड़ी चीज मुझे अपने कंट्री को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने मिल रहा है। सो वो मुझे चीज बहुत भा गई और मैंने तभी मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस करना ही है, एंड इंडियन फॉरेन सर्विस दैट मीन्स UPSC, ऑब्वियसली UPSC एग्जाम मुझे क्लियर करना ही है। डेफिनेटली एक चीज बता दूं कि मुझे फर्स्ट टाइम से मैंने जब मेंस और इंटरव्यू दिया था तब से ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस IFSC था। मुझे जब मैंने एग्जाम ये क्लियर की तो मुझे IAS मिल रहा था इन माई रैंक एंड कैटेगरी, बट मैंने वो ऑब्वियसली मेरा IFS फर्स्ट प्रेफरेंस होने की वजह इट्स से आई गॉट समथिंग, ये IFS। बड़ा ही यूनिक है क्योंकि बहुत कम लोग रखते हैं IFS फर्स्ट प्रेफरेंस पे नॉर्मली इसमें, तो ये एक एंड फायदा। आई टेल यू वन मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर ऐसा था कि जब मैंने UK छोड़ा था, आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ UK, सो जब मैंने UK छोड़ा था ये एग्जाम देने के लिए, तभी मैंने जाते वक्त मैंने मेरे फ्रेंड के वहां पे एक फ्रेंड है वहां उससे कहा था कि मैं जब आऊंगा ना अभी वापस यहाँ पे तो मैं डिप्लोमेट बन के आऊंगा, इंडियन डिप्लोमेट बन के दैट्स आऊंगा। एंड आई एम ग्रेट। वेरी मच हैप्पी कि मतलब आफ्टर 5 लॉन्ग ईयर्स कि मेरा ये जर्नी कंप्लीट हुई। तो सर थोड़ा ये अपनी 5 ईयर्स की आप जर्नी बताएंगे कि आपकी कैसे गई और क्या चैलेंजेस थे और कौन सा एग्जाम का स्टेज आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा या कौन सा जो है जिसमें स्ट्रगल हुआ सबसे ज्यादा? तो पहली चीज जब मैं 2014 में वापस यहाँ पे आया, इन दिसंबर में वापस आया इंडिया में, कि मुझे जानकारी नहीं थी इस एग्जाम की, कहाँ से शुरुआत करूँ कहाँ से स्क्रैच, मतलब कुछ भी नहीं पता था, कोई गाइडेंस नहीं कुछ नहीं। एंड दिस इज एक ये चीज है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, एंड एंड महाराष्ट्र में तो ऑब्वियस है कि अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो गाइडेंस बहुत कम है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो पुणे चले जाते हैं, वहां पे तभी पुणे में थोड़ा सा एक हब था कि स्टेट सर्विसेज भी होते थे और सिविल सर्विसेज कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है UPSC के, बाकी सब स्टेट सर्विसेज थे। तो मैं चला गया वहां पे भी ओके ओके गाइडेंस मिला मुझे, लेकिन एक रफ आइडिया आते गया मुझे कि एग्जैक्टली UPSC में चाहिए क्या।
और उसके बाद में मैंने फर्स्ट एग्जाम जो प्रीलिम्स दिया था, मैंने सिर्फ इसलिए दिया ताकि देखूं कि चलो ये एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या क्वेश्चन होते हैं. तो माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही था, मतलब एक एक परख लेने के लिए कि एग्जाम की ये एग्जैक्टली होता क्या है. फिर मैंने मुंबई में गया, मैं मुंबई में SISE करके एक इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं एंड एकोमोडेशन देते हैं, और वहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटीज है. तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया, उनके एग्जाम क्लियर किया और वहां पे ज्वाइन किया. एंड वहां पे मैंने 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन किया. मेरा सेकंड अटेम्प्ट में आई रीच टिल मेंस, थर्ड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, एंड फाइनली जो फोर्थ अटेम्प्ट था उसमें मैं दिल्ली में आ गया फॉर 8 मंथ्स के लिए. उसमें भी मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एग्जाम मैंने क्लियर की, मुझे स्कॉलरशिप मिला, स्टाइपेंड मिलता था, नहीं तो दिल्ली मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था दिल्ली. तो मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की वजह से आई केम टू दिल्ली, और मैंने ये एग्जाम वहां पे, मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज अच्छी खासी वहां पे लगाई दिल्ली में, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया. सो ये मेरी थ्रू आउट ये जर्नी थी. लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ कि मैंने जैसे जैसे साल चलते गए, मुझे पता चलते गया कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी और यूपीएस में एग्जैक्टली चाहिए क्या. ये मैं आपको बताऊंगा आगे. सो या हाँ सर, तो जैसे आपने बताया कि गाइडेंस का वो रहता है, और आप भी जब शुरुआत की थी स्क्रैच से तो आपको भी आइडिया नहीं था. तो जैसे अभी जो एस्पिरेंट ये आप अभी देख रहे होंगे ये, तो अगर उनको जो है एकदम बिगनर, कोई कॉलेज में होगा या कोई स्कूल में भी लोग सोचते हैं एकदम बिगनर या कोई जस्ट ग्रेजुएट, उनको आप क्या सर कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे कि जो उनको फोकस करने चाहिए. अभी मान लो कोई 2023 का एग्जाम दे रहे हो या 2 का दे रहे हो, तो उनके लिए क्या, बिगनर्स के लिए क्या पॉइंट्स होंगे सर? तो सबसे पहली चीज जो मैं हर एक एस्पिरेंट में, मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं उनमें जो मिसिंग था, और मैं उन्हें हर एक चीज ये हर बार यही चीज बोलता हूँ कि सबसे पहले तुम एक अपनी बुक सोर्स जो लिस्ट है वो तैयार कर लो. क्योंकि क्या होता है, हर बार मार्केट में कोई नई बुक आती है या कोई अपने फ्रेंड्स नए बुक पढ़ते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि चलो ये पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए. तो हर बार हिस्ट्री के लिए हम लोग 10 किताबें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए 12-15 ऐसे किताबें पढ़ते जाते हैं, फिर फायदा कुछ नहीं होता इससे, क्योंकि हम रिविजन कुछ नहीं कर रहे. तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक लिमिटेड, ज्यादा नहीं, लिमिटेड इंपॉर्टेंट बुक सोर्सेज जो है वो लिख लीजिए आप, कि आप प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ने वाले, ये सब्जेक्ट के लिए, मेंस के लिए ये पढ़ने वाले. एंड एट द सेम टाइम एक टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए. जो फ्रेशर्स है, ये 2 चीजें आपको पहले करनी है कि आप एक बुक लिस्ट बनाइए और एक टाइम टेबल बनाइए. और टाइम टेबल भी ऐसा हो कि आप इक्वली अपने ऑप्शनल को भी टाइम दे रहे हैं, आप अपने जीएस को भी टाइम दे रहे हैं, प्लस करंट अफेयर्स को भी टाइम दे रहे हैं. और न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आजकल देखा जा रहा है कि ऑलरेडी रेडीमेड एनालिसिस मिल जाता है ऑनलाइन, एंड पीपल फिर टेंड टू यू नो दे वो रीड नहीं करते न्यूज़पेपर. तो ये बहुत गलत चीज है, शॉर्टकट लेते हैं, ये बहुत गलत चीज है. मैं इसका एक रीजन बताता हूँ कि आप जब न्यूज़पेपर रीड करते हो, खास करके एडिटोरियल, तो आपकी एक एनालिटिकल एबिलिटी, सॉरी हिंदी में मुझे ये शब्द मिल नहीं रहा, लेकिन एक एनालिटिकल जो एबिलिटी है वो आपकी डेवलप होती है. तो आपको जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर खुद पढ़े. चलो आप नोट्स मत निकालो, आपको रेडीमेड वो एनालिसिस जो ऑनलाइन वेबसाइट देती है वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, लेकिन आप रोज का न्यूज़पेपर पढ़ो. एंड सेकेंडली, आप ऑप्शनल को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो कि चलो मैं 6 महीने के बाद करूंगा प्रिपरेशन के, ऐसे नहीं कर सकते हो. ऑप्शनल एक ऐसी चीज है कि आपको day 1 से, आपको जब शुरुआत करते हो प्रिपरेशन की, आपने तब से ही शुरुआत करनी चाहिए. एक ऑप्शनल कीजिए, एक जीएस को टाइम दीजिए, एक आप न्यूज़पेपर को टाइम दीजिए, और एक करंट अफेयर्स को. ये ऐसे इन सब चीजों में आप अपना टाइम टेबल डिवाइड कीजिए रोज का. और बुक सोर्सेज भी ऐसी हो कि एक बार आपने बुक की लिस्ट बना ली तो उसमें कोई एडिशन नहीं होना चाहिए और कोई डिलीशन नहीं होना चाहिए, वही की वही, और उसको पढ़ने के बाद रिवाइज करना होगा आपको. तो ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए कि आप इनिशियली इन सब चीजों पर फोकस कीजिए. सर आपने ऑप्शनल की बात की, और डेफिनेटली 500 मार्क्स का वेटेज होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो बिगनर्स होते हैं कई बार वो ऑप्शनल की चॉइस ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब बिना सोचे समझे, क्योंकि बिगनर्स के दिमाग में इतना आइडिया नहीं होता. तो आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते, आपने क्या ऑप्शनल लिया था और क्या सोच के लिया था, और आप क्या सजेस्ट करेंगे बिगनर्स को कि क्या सोच के ऑप्शनल लें, अपना कोई टिप्स दे सकते हैं इसमें? मैं इस चीज में एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा. मैंने खुद ऑप्शनल चुनने में बहुत बड़ी गलती की थी, एज आई टोल्ड यू कि मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला था. तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी मेरा फील्ड था, तो उससे रिलेटेड एक जूलॉजी करके ऑप्शनल है, तो मैंने जूलॉजी ऑप्शन लिया. मैंने सोचा चलो हो जाएगा, क्योंकि मैंने बैचलर्स में फर्स्ट 2 इयर्स जूलॉजी किया था. लेकिन इश्यू क्या हुआ कि जूलॉजी चलो लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत वास्ट था, और इतना वास्ट था कि मतलब उसका पोर्शन इधर से उधर से किधर से भी आ रहा था, जितना सिलेबस में दिया उतना इट वॉज नॉट सफिशियंट. ठीक है, तो फिर उसके वजह से क्या हुआ कि हर बार मैंने उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं होता था एग्जाम के लिए. और एक इश्यू ऐसा था कि यू हैव टू राइट अ लॉट, उसमें लिखना बहुत था, डायग्राम भी परफेक्ट होने थे, लेकिन मार्किंग जो था वो बहुत कम था.
आप अगर जोलॉजी को देखोगे तो लास्ट यू नो लाइक जितने भी 10 साल है उसमें हार्डली 300 मार्क्स मतलब एक दो स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। तो दैट वॉज द इशू कि मेरा हर बार जो के वजह से रह जाता था जब भी मेटो में पूछा। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शनल बहुत अच्छे से चुने। एक आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपका इंटरेस्ट और आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट किसमें है, उससे अलाइंड होता हुआ कोई सब्जेक्ट होगा तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चीज आप देखिए कि उसके पास्ट 10 ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स है आप उसको एनालिसिस उसका एनालिसिस कीजिए, प्लस आप उसके सिलेबस का एनालिसिस कीजिए कि वो कितना वास्ट है या कंसाइज है और उसके मटेरियल इजिली अवेलेबल है या नहीं। ये सब चीजों पे आप ध्यान देके आप अपना ऑप्शनल सिलेक्ट कीजिए और हर साल मार्किंग का ट्रेंड कैसा रहा है उस ऑप्शनल का ये भी देखना जरूरी है। अभी अभी देखिए एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हर साल एंड मेनी पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड एंथ्रोपोलॉजी में से। तो मुझे जो भी कोई साइंस स्टूडेंट आके पूछता है कि मैं जूलॉजी लू या ये लू, तो मैं उनको सीधे बोलता हूँ आपने एंथ्रोपोलॉजी देखा है, आप एक बार उसको देख लो, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो। एंड साइंस स्टूडेंट के लिए तो इजी है और इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी लेते हैं, ठीक है। सो एनीवेज एंथ्रोपोलॉजी असाइड्स, मैं यही कह रहा हूँ कि आप सिलेबस देखिए, पिछले 10 साल के पेपर देखिए, आपका खुद का इंटरेस्ट देखिए और आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट देखिए, ये सब चीजें आप अलाइन कीजिए और देखिए आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है। तो सर ये तो ऑप्शनल की बात होगी। एक चीज है कि अभी से अगर देखें तो बस ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बचे हैं ये प्रीलिम्स 2021 के लिए जो अक्टूबर 10 को होगा। तो जो लोग इस साल दे रहे हैं 2021 में प्रीलिम्स, उनके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्हें अभी 3 मंथ्स में करनी चाहिए टू गेट थ्रू प्रीलिम्स? सो सबसे पहले आप कोई भी नई किताब मत उठाइए, अभी जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है उसे ही रिवाइज कीजिए, उसके अलावा कोई भी नई किताब मत उठाइए। सेकेंडली अगर आपका एंशियंट इंडिया मिडिवियल इंडिया ऐसे कोई या आर्ट एंड कल्चर को छूट गया रहेगा, दिस इज द टाइम, ये अभी टाइम है आपको जुलाई एंड तक कि आप उसको कवर कीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। बिकॉज मैंने जब मेरा टाइम था जब 2019 एग्जाम क्लियर किया मैंने, वो टाइम पे प्रीलिम्स में पीपल कुड नॉट क्लियर बिकॉज उन्होंने मिडिवियल इंडिया छोड़ दिया था और मिडिवियल इंडिया में से वही साल 11 क्वेश्चन आ गए प्रीलिम्स में। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप एक भी चीज यूपीएससी में नहीं छोड़ सकते हो कब कौन सी चीज ज्यादा पूछ ले पता नहीं है। तो आप जुलाई एंड तक जो आपने छोड़ा था वो कवर कीजिए और बाकी कोई नई किताब मत उठाइए। सेकेंडली इसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, जो मॉक टेस्ट आते हैं वो सॉल्व करने हैं। नाउ लोग समझते हैं कि 15-20 मॉक टेस्ट देके सफिशिएंट हो जाता है, बट आई एम नॉट ऑफ दैट थॉट। मुझे लगता है कि इट इज वेरी मच इनसफिशिएंट। आपको एटलीस्ट 60 क्वेश्चन पेपर्स मॉक पेपर सॉल्व करने ही चाहिए। एंड ये रीजन इसके इसलिए है क्योंकि आपको देखिए आप उसके जो क्वेश्चन है उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन आता है जो आंसर शीट के, तो वो एक्सप्लेनेशन में से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है जो आप कोई भी क्वेश्चन में दूसरे कनेक्ट कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये चीज जरूरी है कि आप एटलीस्ट 60 पेपर सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, आपका वो जो एबिलिटी है कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सके एलिमिनेट करने में जो ऑप्शंस वो भी डेवलप हो, प्लस आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो। एट द सेम टाइम आप उसके जो आंसर्स दिए रहेंगे वो एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कोई भी जरूरी नहीं है कि आप ये आपको ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम जो टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं उसमें से क्वेश्चन यूपीएससी उठाएगा, ये तो कभी नहीं होने वाला। यूपीएससी में एक अलग से एक ऐसे मेंबर्स बैठे रहते हैं, उन्होंने हायर किए हुए रहते हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन से टेस्ट सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे ताकि वो नहीं पूछे वो क्वेश्चन। yes. तो वो अपने से एक स्टेप आगे है, तो ये नहीं yes. होने वाला। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो एक्सप्लेनेशन आप कहीं पे भी उस नॉलेज को कनेक्ट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन में, तो ये इम्पोर्टेंट है। yeah. सर्टेनली सर, और इसमें एक चीज है, कई बच्चे जो जैसे मॉक टेस्ट की बात की आपने सर, तो मॉक टेस्ट में कई लोग देते हैं और अगर एक दो बार कम मार्क्स आ जाते हैं तो बड़ा ही वो उससे मतलब एकदम देना छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि वो क्या कर सकते हैं? सी, मैं उनके लिए एक ही चीज कहूंगा कि मैं जब देता था टेस्ट मॉक टेस्ट तो मुझे हार्ड 100 मार्क्स 90 मार्क्स ऐसे ही आते थे और कट ऑफ लाइक 2019 तक 114 115 ऐसा रहा है, 108 इतना मतलब इतना तक गया हुआ है। सो मुझे बेसिकली मुझे भी कोई अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि मैं नॉलेज जो मिल रहा है मुझे एक्सप्लेनेशन से मैं उस पर ध्यान देता था। ये मार्क्स तो चलो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जितने भी आ रहे यू जस्ट टेक इट एंड मूव ऑन और जो अपने मिस्टेक्स है उस पर वर्क ऑन कीजिए। यूपीएससी में क्वेश्चंस आर वेरी मच डिफरेंट, जो आपके टेस्ट सीरीज है उससे बहुत डिफरेंट रहते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए आपको कितने भी मार्क्स आ रहे। आपका मेन एम यही है कि
कि जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उस पर इंप्रूव कीजिए, और जो आपको एक्सप्लेनेशन में नॉलेज मिल रहा है उसको आप गेन कीजिए. सो डू नॉट गेट योर कॉन्फिडेंस लो बाय द मार्क्स. अब सर इसमें एक और चीज है नोट्स बनाने को लेके, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रीलिम्स के नोट्स बनाए, मेंस के बनाए, किस चीज के. तो सर नोट्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए और क्या करना चाहिए नोट्स को? सो नोट्स में बेसिकली देखिए, मेरा एक टेक्निक है जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ व्हेनेवर आई टेल देम कि कैसे प्रिपेयर करना है. तो आप अगर देखिए स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर हो तो एनसीईआरटी आप पहले दो बार पढ़ लीजिए जो, और मैं नहीं बिलीव करता कि आप 5th to 12th सारे एनसीईआरटी पढ़े. कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे 11th की जो मिडिवियल इंडिया है, एंशियंट इंडिया है, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो ओल्ड एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, हाँ सारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो आप वो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए. फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चीजें अंडरलाइन कीजिए. जब सेकंड टाइम आप पढ़ोगे तो एक थोड़ा फास्ट रीडिंग कीजिए. फर्स्ट टाइम जब रीड करोगे तो एकदम स्लो, एकदम आराम से ट्राई टू ग्रास्प इन और उसको अंडरलाइन कीजिए. सेकंड टाइम आप जब रीडिंग करोगे तो फास्ट कीजिए, और उसमें से जो आपने अंडरलाइन किया है वो नोट्स अलग से एक पेपर पे निकाल लीजिए. तो इसके वजह से क्या होगा कि आपके प्रीलिम्स के नोट्स रेडी हो जाएंगे. ये हर एक सब्जेक्ट के लिए कीजिए आप, ये प्रीलिम्स के नोट्स रेडी हो जाएंगे और यही आप एग्जाम के पहले आप रिवाइज कर पाओगे. तो दैट वो आपका प्रीलिम्स का सफिशिएंट हो जाएगा. फिर आप रेफरेंस जो एनसीईआरटी होने के बाद आप रेफरेंस बुक पे जाइए. अगेन वही चीज कीजिए, एक बार रीड करोगे तो आप ध्यान से रीड कीजिए और अंडरलाइन कीजिए, और सेकंड टाइम जब रीड करोगे तो फास्ट रीड करके आप नोट्स निकालिए. जो मेंस के लिए है, देखिए मेंस के आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत डायनामिक है. अभी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, जो सेट क्वेश्चन है, जो स्टैटिक क्वेश्चन है, ये सब नहीं आ रहे. मतलब एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट मेजर ये जो है वो डायनामिक है, जो करंट इवेंट्स पे आते हैं. तो इसके लिए मैं क्या करता था कि जब मैंने दो बार एनसीईआरटी पढ़ ली और एक बार रेफरेंस बुक्स पढ़ लिए तो मैं उसको टाइम देता हूँ रफली 4 months. उसके बाद में मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की, और आंसर राइटिंग के लिए कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल है. वो डेली के आंसर राइटिंग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, आप वहां से क्वेश्चन उठाइए, एक GS1, GS2, GS3 और GS4 के लिए एक एक उठाइए और आप सॉल्व कीजिए. और ये मत सोचिए कि मेरे आंसर बुरे हैं और कोई कुछ बोल दे अरे ऐसे क्या लिख रहा है, ये तो बकवास है. ऐसे नहीं है, कोई भी सीख के नहीं आया हुआ है. इट टेक्स टाइम, और आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो आपकी एबिलिटी डेवलप होगी नहीं. तो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, और आपकी वो एबिलिटी इंप्रूव होती जाएगी. वहां पे आपको जो सेट आंसर्स दिए रहेंगे उससे आप कंपेयर कीजिए, कुछ पॉइंट्स एडिशन कीजिए, और कोई टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, या तो फिर उससे भी आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा. तो जैसे ही आप ये करोगे और क्वेश्चंस मेंस के सॉल्व करोगे तो आपके पास एक रेडी, आपके पास एक किताब हो जाएगी पूरे साल के जो करंट इवेंट्स है उसके क्वेश्चन की जो आपने सॉल्व किए. और यही आपको मेंस के पहले रिवाइज करना है और कुछ नहीं. मैंने कंटिन्यू 4 साल मैंने मेंस के आंसर राइटिंग करता था मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन वेबसाइट से, और यही मुझे हेल्पफुल पड़ा टू रीच माई फाइनल स्टेज. सो आई वुड सजेस्ट दैट. डेफिनेटली सर, हम लोगों ने भी एक आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लिया है जिसमें सुबह हम 2 क्वेश्चन देते हैं, और वो 2 क्वेश्चन भी या तो प्रीवियस ईयर ऐसा होता है कि जो रिपीट होने लायक होता है जैसे एथिक्स में, या फिर कोई करंट अफेयर्स पे, और फिर जो है शाम को डिस्कस करते हैं. तो उसमें कई बच्चे यही इशू उनको आता है कि वो बोलते कि अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है आंसर लिखने का, कि एकदम अभी से लिखना शुरू करें नहीं करें. तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी सर, क्योंकि कई बच्चों को ये इशू फेस होता है कि आंसर लिखने में वो लोग हमसे पूछते हैं कि अभी हमारे पास इसके लिए कंटेंट नहीं है तो अभी से लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी? मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप स्टार्टिंग में एज आई टोल्ड यू कि मतलब दो बार एनसीईआरटी और एक बार रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए, और रोज के न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स जो डेली है वो कीजिए, और एक मंथली भी आता है करंट अफेयर बुकलेट, ये भी आप सब पढ़िए. 4 months दीजिए आपके प्रिपरेशन शुरू होने के बाद. एटलीस्ट इस 4 months में आपका इतना नॉलेज बेस डेवलप हो जाएगा कि आप बेसिक आंसर तो लिख ही पाओगे, और 4 months के बाद यू स्टार्ट आंसर राइटिंग. इनिशियली लिखने के लिए आई डोंट सजेस्ट, मैं किसी को भी नहीं बोलता कि आप day 1 से आप आंसर राइटिंग कीजिए. 4 months में आपका डेवलप होने के बाद आप आंसर राइटिंग कीजिए, और एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप जब 4 months के बाद लिखोगे तो बहुत अच्छे आंसर लिखोगे कि यूपीएससी भी बोलेगा वाओ. ठीक है, ये नहीं होने वाला है. तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप लिखिए. अगर आप नहीं लिखोगे तो जो लिख रहे हैं ना वो आगे चले जाएंगे आपसे. और आप इस कॉन्फिडेंस लेवल कभी आप डाउन मत कीजिए. और एक एडवाइस दूंगा कि कोई भी डेटा आ रहा है, कोई भी कोट्स आ रहे हैं, या कोई भी रैंकिंग्स आ रहे हैं, या रिपोर्ट आ रहे हैं, मतलब जो रिलीज हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, अलग से एक डेटा बुक बनाइए और उसमें वो लिख लीजिए. क्योंकि ये जो डेटा है आप आंसर्स में भी लिख सकते हो, कोर्स भी आंसर में लिख सकते हो, ऐसे में लिख सकते हो, या तो फिर कोई यू नो लाइक जीएस पेपर में भी लिख सकते हो, यू नो कहीं पे भी ये यूजफुल हो सकता है आपका ये डेटा. तो डेफिनेटली ये तो एक चीज होगी आंसर राइटिंग को लेके. अब सर कुछ चीज, जैसे आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप जब इंटरव्यू देने गए थे तो उसके लिए प्रिपरेशन, क्योंकि कई लोग जब शुरुआत करते हैं तो कोई इंटरव्यू तक का सोचता नहीं है उस शुरू के टाइम में,
तो आपका क्या सजेशन रहेगा, मतलब इंटरव्यू पे एक तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और लोगों को क्या सजेशन रहेगा कि इंटरव्यू, क्योंकि अभी इंटरव्यू भी शुरू होने हो गए हैं यूपीएससी के, राइट, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? सी इंटरव्यू, फर्स्टली आप मेंस तक तो ऑब्वियसली इंटरव्यू का कोई सोचे ना, मेंस के बाद ही ऑब्वियसली सोचना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए, और अभी जो इंटरव्यू के लिए अपियर होने वाले हैं या फिर फ्यूचर में जो भी होने वाले हैं, फॉर देम एक चीज याद रखिए, यूपीएससी से कभी झूठ ना बोलिए। यूपीएससी के जो पैनल में जो बैठे है वो दोज आर मास्टर्स, एंड वो यू पकड़ लेंगे आप झूठ बोलोगे, और अगर आपने झूठ बोल दिया तो आपके मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली कट होंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बंदे ने लिखा था कि आई लाइक गार्डनिंग, और गार्डनिंग लिखा था, और ये रियल इंसिडेंट है, और उसको पूछा गया कि वहां पे बाहर है ना ऐसे पौधे लगे थे, तो उसको पूछा गया ये कौन से पौधे, कौन सा टेक्निक यूज किया, क्या यूज किया, एंड ही कुड नॉट आंसर नॉट इवन वन क्वेश्चन, एंड उसके मार्क्स, ही ओनली गॉट 120 मार्क्स इन इंटरव्यू। तो आप या दैट इज वेरी लो, और इतने मार्क्स आने के बाद आप लिस्ट से बाहर ही हो, तो इट्स बेटर कि आप यू नो आप झूठ ना बोलिए, आपको जो आता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए, नहीं आता हो एक आध क्वेश्चन का तो आप बोलिए सॉरी सर आई डू नॉट नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एट दिस मोमेंट बट आई ट्राई टू यू नो गेन नॉलेज अबाउट दिस लेटर, या फिर कोई आपको आंसर बोलते तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन सर, आई ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दिस नेक्स्ट टाइम। सो ये सब आप ऑनेस्ट रहिए, और सेकेंडली आपका जो डैप है A to Z, आपने जो एक फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन जो डैफ में लिखी है, हर एक वर्ड को भी एनालाइज कीजिए, इवन आपके नाम भी, नाम का मीनिंग भी वो पूछ सकते हैं, और एनालिसिस भी कैसे कीजिए कि आप सोचिए कि इसके ऊपर क्या सवाल बन सकता है, इसके ऊपर क्या सवाल बन सकता है, ऐसे आप सोचिए, और जो पास्ट जो इंटरव्यू अपियर कर चुके हैं उनका जो ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है आप एक बार उसको देख लीजिए कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, बट हाँ एक चीज है, आपकी जो डैफ में आपने लिखा है उसको 101% आप एकदम अच्छे से करके जाइए, वहां से एक भी लाइन छूटे ना, एक वर्ड भी नहीं छूटे। सो सर एक और चीज, जैसे आपने कहा कि 2014 से आपका मतलब यूपीएससी में शुरू हुआ, तो यूपीएससी की कई बार लोग बोलते हैं जर्नी काफी लंबी होती है, बहुत सारे लोज भी आते हैं, मतलब कई बार डिसअपॉइंटमेंट वगैरह, ये तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखी है आपने, मतलब कैसे अपने आप को जो है एक मोटिवेट करे रखा, और जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं जो दे रहे होंगे उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे मोटिवेशन के? सो एक चीज ऐसी है कि आई बिलीव कि चलो जरूरी नहीं है कि आप 13-13, 14 आवर्स इतना रोज की पढ़ाई करें, आपसे जितना होता है उतना ही कीजिए। तो मेरे लिए 9 आवर्स वॉज सफिशियंट पर डे, और एट द सेम टाइम मैं वीकेंड में एक दिन या आधा दिन ऐसा खुद के लिए रखता था, मैं बाहर जाता था, फ्रेंड से मिलता था, मूवीज देखता था। सो मेरा ऐसा था, मैं और एक चीज ऐसे बोलता हूँ कि मेरा जब 2019 में एग्जाम जो क्लियर हुआ, जब मैं मेंस लिखने गया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, आई क्लियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आल्सो दैट ईयर, सो मेरे दो दो एग्जाम क्लियर हुए थे। तो हाँ, सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जब मेंस लिखने के लिए मैं जाता था, तो दिल्ली में शाम को मेरे फ्रेंड्स मिलते थे, मैं घूमते रहता था ऐसे, शाम को एग्जाम देने के बाद मैं कुछ पढ़ता नहीं था, ऐसे घूमते रहता, तो लोग बोलते थे ये सच में मेंस में है, मतलब मुझे मेरे फ्रेंड आके बोलते थे, ये पूछ रहे तू सच में मेंस में है क्या, तो उसको बोलते थे हाँ इसका नाम तो है लिस्ट में, है पक्का है। सो दैट इज लाइक, मतलब मैं टेंशन इतना नहीं लेता था। व्हाट आई वांट टू से इज कि एक दिन ऐसा होना चाहिए आपका वीक में कि आप खुद को रिफ्रेश कर सको, और ऐसे नहीं कि आप सोशल मीडिया से पूरे टूट जाओ या कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाओ, या फिर फ्रेंड से बोलना छोड़ दो, पूरे टाइम आप किताबें में रहो। आपके ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है, एंड मैन इज अ सोशल एनिमल, वो अकेले नहीं रह सकता है, यू नीड टू इंटरेक्ट विद अदर्स, आपको दूसरों के साथ भी घुल मिलना है। सो मेरी इंस्पिरेशन, हाँ चलो मैं डिसअपॉइंट हुआ, नो डाउट मैं भी डिसअपॉइंट हुआ कि फाइनल इसमें नाम नहीं आया मेरा, जब मैं इंटरव्यू तक एक बार पहुंचा था, लेकिन वो दिन मैंने जितना रोना था रो लिया, जितना मुझे दुख किसके साथ बांटना था बांट लिया, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने डिसाइड किया बस मुझे अपना गोल पूरा करना है। ऑल आई कुड सी, मुझे सिर्फ मेरा गोल दिखता था और मेरे मम्मी डैडी के फेस, बस इन दो, यही दो चीज मुझे दिखती थी, और अगले दिन से मैं वापस वो साइकिल पे चल लग जाता था। तो यही चीज आपको मोटिवेट करनी चाहिए, और वीक में आप खुद को रिफ्रेश कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप गधा मजूरी करें, यहाँ पे स्मार्ट वर्क की जरूरत है, हार्ड वर्क की नहीं। बिल्कुल सर। और सर लास्टली, ये जो सर्विस जैसे आपने चूज की आईएफएस, तो अभी आपकी लाइक ट्रेनिंग हो गई, अब आप मेक्सिको पोस्टिंग में, तो आईएफएस कैसे डिफरेंट है आईएएस और आईपीएस सर्विस से, मतलब आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा, तो क्या चीज इसको एक, क्योंकि इसका भी एक यूनिक चार्म है इस सर्विस का, राइट, तो कैसे ये डिफरेंट है ये सर्विस मतलब इन चीजों से? अच्छा मैं क्विकली आपको आईएफएस की खूबियां बता दूं पहले, एंड मैं दूसरे सर्विसेज को बैश नहीं कर रहा हूँ, ऑल सर्विसेज आर एज मच इम्पोर्टेंट, सब सर्विसेज इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, वो तो है। हाँ,
लेकिन एक चीज देखी जाती है एस्पिरेंट में कि आईएफएस एक टाइम था जब 80s में आईएफएस वाज द फर्स्ट प्रेफरेंस, आपका पहला प्रेफरेंस हुआ करता था एंड लिटरली कंपटीशन हुआ करती थी। पहले आईएफएस के सीट भर जाते थे फिर आईएसएस है। वो टाइम पे तो ऑप्शन भी मिलता कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, आईएएस चाहिए, आईएफएस चाहिए, कौन सी चाहिए, ऐसे पूछते थे पैनल में वो टाइम पे 80s में। तो तभी आईएफएस के लिए बहुत कॉम्पिटिशन हुआ करता था। अभी क्या हो गया, एस्पिरेंट्स उनको ये आईएएस और आईपीएस पोस्ट ज्यादा ग्लैमराइज हो गए, नो डाउट उनको मैं पावर वो दिखाते हैं, देर इज लॉट ऑफ पावर इन देम इन दिस पोस्ट, और उसके वजह से सिंगम देख लिया बस आईपीएस बनना। लेकिन जो आईएफएस जो है ये एग्जैक्टली यहाँ पे पावर नहीं है लेकिन प्रेस्टीज है इस पोस्ट में। देखिए ये जो एक एक फीलिंग जो है कि आप अपने कंट्री को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये फीलिंग आप मतलब बाकी सर्विस नो डाउट है लेकिन कोई भी सर्विस में आपको इतनी फीलिंग नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे मिलती है। एक तो आप वर्ल्ड वाइड घूम रहे हो और प्लस आपकी आप लोगों से मिल रहे हो, आप हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो भी है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर्स, इवन नॉर्मल डिप्लोमैट्स, इवन मिनिस्टर्स, सबसे इंटरेक्ट कर रहे हो, सबसे मिल रहे हो, कोई सर्विस आपको इतना ऑफर नहीं करता है। आईएएस आईएएस कौन कितने लोगों से जाके मिल रहा है, मतलब एक कभी ना कभी एक खाद एक मिनिस्टर से मिल लिया, बाकी कितने लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। चलो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पावर है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेज पे ना तो आपको पॉलिटिकल प्रेशर है आईएफएस में, ना आपको मतलब कोई इवन फाइनेंशियल कोई वरी नहीं है आपको। इनफैक्ट आईएफएस गेट पेड रियली ब्रिलियंटली एंड दे लिव देयर लाइफ यू नो कंफर्टेबली। चलो हमारे पास गाड़ी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन लेकिन इतना फाइनेंसेस है कि वी कैन सस्टेन अवर सेल्फ एंड यू कैन लिव योर लाइफ इन लग्जरी। एंड एट द सेम टाइम जो ऑनर एंड प्रेस्टीज है, ठीक है कि आप यूएन में भी जाके बैठ सकते हो, ठीक है आप दूसरे कंट्री में कहीं पे भी पोस्टिंग में आप एक जो ट्रेड डिप्लोमेसी है वो भी कर सकते हो। देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स टू इट, ये आपको किसी सर्विस में नहीं मिलेगा कि इतने सारे एस्पेक्ट से आप डील कर रहे हो, एंड आईएफएस ऑफर्स यू दैट। सो दैट इज व्हाई यू नो दिस सर्विस इज रियली ब्रिलियंट। हाँ एक चीज है, चलो आपको इनिशियली बहुत अकेले रहना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, साल में एक ही बार आ पाते हो आप अपने कंट्री में होम लीव लेके, उतनी चीजें हैं, लेकिन चलो आगे जाके आप अपने फैमिली को लेके जा सकते हो, उन्हें भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं, डोंट वरी अबाउट इट, एक बार आप सर्विस में आ जाओगे अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। एंड आईएफएस इज अ रियली ब्रिलियंट सर्विस एंड एवरीवन शुड थिंक अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाई कि वो थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ प्रेफरेंस पे चला गया है, बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि एवरीवन स्टार्ट थिंकिंग कि आईएफएस यू नो इंटरनेशनल स्टेज पे वो स्ट्रेंथन कर रहा है और डोमेस्टिक स्टेज पे बाकी सब सर्विसेज स्ट्रेंथन कर रही है। आई थिंक सर ये तो है, काफी लोग अभी भी आईएफएस के लिए एस्पायर करते हैं, काफी लोग अभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, तो डेफिनेटली, और चार्म जो इस सर्विस का वो तो डेफिनेटली अलग ही है, ये तो रहता ही है। तो आई थिंक सर थैंक यू वेरी मच, और जाते जाते सर कुछ लास्ट वर्ड्स जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं अभी उनके लिए कुछ आप वर्ड्स उनको जो मोटिवेट करते रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो। आपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देखी रहेगी, किसी ने भी, तो एक लाइन जो मुझे हमेशा याद आती है, और हाँ एक चीज मैं बोलना भूल गया कि मुझे जब भी लो फील होता था तो वंस इन अ वाइल मैं परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देख लेता था, कि और उसमें एक लाइन जो है वो बहुत अच्छी है कि डोंट लेट एनीवन टेल यू दैट यू कैन नॉट डू समथिंग, पीपल टेल यू दिस बिकॉज दे देमसेल्व्स कांट डू दिस, गो एंड अचीव योर ड्रीम, दैट्स इट, डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स से, ठीक है, ओनली थिंक ऑफ योर गोल एंड ओनली यू नो लाइक मूव टूवर्ड्स योर एम, दैट्स इट, एंड ऑलवेज रिमेंबर अपने पेरेंट्स को भूलना नहीं है, योर पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन यू, ऑलवेज रिमेंबर देयर फेस एंड गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म, एंड आई होप कि और भी सेशंस आपके साथ होते रहें, राइट, एंड सर बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम अवर टीम फॉर योर जर्नी इन मेक्सिको, जो पोस्टिंग आपकी मेक्सिको में होगी। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू।